हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपने अपनी जिंदगी में दोस्तों खुश होंगे और हम भी खुश हैं और मस्त हैं। तो दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ कानपुर से स्टार्ट। कानपुर से थोड़ा सा पहले हम लोग, तो अभी गाड़ी अपनी कंफर्म हो चुकी है भाई, गाड़ी लौट के लिए, और मैं जा रहा हूँ आम भरने के लिए लखनऊ से मुंबई। लखनऊ से मुंबई नाला सोपारा ये जगह, वहाँ का माल है अपना और आम लोड करना है दोस्तों। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और गाड़ी अपने प्रेशर भरा रहा है, प्रेशर भर जाए उसके बाद में दोस्तों यहाँ से सीधे निकलते हैं लखनऊ। दोस्तों रुके हुए हैं यहाँ पे हम लोग जामुन खाने के लिए, तो गाड़ी अपनी खड़ी की भाई यहाँ पे देख सकते हो। सुरेश भाई चढ़ा है ऊपर जामुन के ऊपर, गाड़ी अपनी ऐसी लगा ली और ऊपर से तोड़ेंगे, फर्स्ट क्लास बड़े वाले जामुन है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं भी चढ़ता हूँ ऊपर। दोस्तों कानपुर सिटी को क्रॉस कर दिया है और बस उन्नाव के थोड़ा सा पहले है हम लोग। बस ये आगे गंगा नदी आने वाली है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में, गंगा नदी बताता हूँ आपको। थोड़े सा पानी भी आ रहा है और रास्ता भी थोड़ा खराब हो रखा है। ये आ गई दोस्तों गंगा नदी। दोस्तों रुके हुए हैं यहाँ पे हम लोग जामुन खाने के लिए, तो गाड़ी अपनी खड़ी की भाई यहाँ पे देख सकते हो। सुरेश भाई चढ़ा है ऊपर जामुन के ऊपर, गाड़ी अपनी ऐसी लगा ली और ऊपर से तोड़ेंगे, फर्स्ट क्लास बड़े वाले जामुन है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं भी चढ़ता हूँ ऊपर। ये लो दोस्तों जामुन, देखो ये रहे जामुन ही जामुन, और चढ़ गए ऊपर गाड़ी के। सुरेश भाई थैली में इकट्ठे कर रहा है जामुन तोड़ के, तो तोड़ते है दोस्तों जामुन और फिर चलते है आगे। अपने ट्रांसपोर्ट वाले भाई को फोन किया है तो वो बोल रहे हैं यही मोहन ढाबे पे आ जाओ, तो मोहन ढाबा ये रहा और अपनी गाड़ी खड़ी की वहाँ पे, और एमपी की गाड़ी अपने से अपने साइड की सभी गाड़ियां इधर पीछे खड़ी है दोस्तों। तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद में आ जाए ट्रांसपोर्ट वाले, फिर भरने जाते कहाँ पहुँचाते। लो जी भाई लग गया अपना खाना और अपने ट्रांसपोर्ट वाले भाई भी आ गए, वो रहे उधर, तो खाते है भाई खाना। दोस्तों हो गया अपना खाना वाना, बाकी अपनी बिल्टी बन रही है दोस्तों, और इस साइड से माल तो अभी एंडिंग पे, वैसे तो वो मटर वटर भी चलते इधर से, तो भाई हमेशा भरवाते हैं, तो उनका नंबर वंबर मैं आपको बताता हूँ। ये रहे अपने जिया भाई, और भाई बढ़िया हो? जी बिल्कुल बढ़िया। आपका नंबर बता दीजिए। 9936902532 लकी ट्रांसपोर्ट कंपनी उन्नाव। ये रहा दोस्तों, और कार्ड में भी आप देख सकते हो, ये रहे इस साइड में कभी भी गाड़ी आई तो आप कॉल कर सकते हैं इनको, है ना। तो बाकी अपनी गाड़ी अभी लोडिंग के लिए जाएगी, बिल्टी अपनी बन रही रेडी हो रही है। अपने ट्रांसपोर्ट वाले भाई जा रहे वो, और बिल्टी ले ली, ये रही दोस्तों बिल्टी, बस अब वेट कर रहे हैं, पार्टी वाले का फोन आए और निकले। बाकी अपने एमपी साइड की जितनी भी गाड़ियां खड़ी है देखो, वो रही MP09 खड़ी है, MP54 खड़ी है, और उधर भी खड़ी है MP46 अपने जिले की, और बाकी इधर भी खड़ी है। तो चलो वेट करते हैं अभी उनका, पार्टी वाले का उनका फोन आ जाए, वैसे ही चलते लोडिंग के लिए। चलो दोस्तों पार्टी वाले का फोन आ गया है, मंडी में लिए चलते अपनी गड्डी को। ये सारी गाड़ियां आम भरने के लिए खड़ी है दोस्तों, और ये आ गई मंडी। कहाँ पे लगाना है यार, देसी ठेका बोला है, देसी ठेके के पास में, देसी ठेका है कहाँ, ढूंढना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों गाड़ी अपनी लगा दी है, ये रही लोडिंग के लिए, तो अब लोडिंग के लिए लगी जाएगी। बाकी बाहर का नजारा चेक करो भाई, वो आम कैसे लगे हुए, खतरनाक लगे ऊपर ना, देखो चारों तरफ, और यहाँ गाड़ियाँ लगती है दोस्तों, देखो कितना कीचड़ है। अब ये गाड़ी खराब हो गई, देखो गियर वेयर उतर गया बेचारे का, क्योंकि गाड़ी बैठ गई होगी, क्लच प्लेट चले गई होगी, क्योंकि रोड ही बहुत खराब है, ये रास्ता ऐसे वहाँ पे रिवर्स लगाया होगा इसीलिए गाड़ी खराब हो गई। तो चलो कोई नहीं, अभी पीछे की जाली वाली खोलते हैं और माल बताता हूँ दोस्तों कैरेट में है
आम। ये रहा दोस्तों अपना आम, ये जो पूरे कैरेट है ना ये सभी कैरेट भराएंगे दोस्तों। तो फिलहाल मैं अपनी गाड़ी की तिरपाल ऊपर करेंगे, सुरेश भाई चढ़ा है ऊपर। फाइनली दोस्तों हो गई अपनी गाड़ी लोड और रास्ता तिरपाल भी हो गया और हाथ मुंह भी धो लिया हमने। बाकी रास्ता तिरपाल बता देते हैं आप लोगों को, तो अच्छे से रास्ता तिरपाल कर लिया हमने। ये रही, चलो लेते हैं एडवांस। हाँ ठीक है, डाल दो कर लिया भाई। देखो रास्ता तिरपाल क्या साइड में खोलना है, तो अभी बारिश आ सकती है, रास्ते में खोल लेंगे। चलो ठीक है, चलो दोस्तों निकलते हैं रब जी का नाम लेके। और सब कमेंट में लिख देना दोस्तों हैप्पी जर्नी। तो करते हैं अपनी गड्डी को स्टार्ट दोस्तों, और चलो निकलते हैं रब जी का नाम लेके। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं अभी कानपुर के ओवर ब्रिज पे भाई, और कानपुर सिटी पूरी इस साइड में है दोस्तों। ये रही, और ये पूरा ओवर ब्रिज जो है ना कानपुर सिटी को क्रॉस करते हुए बनाया गया है, तो पूरी सिटी को क्रॉस ऊपर ऊपर ही कर देते हैं दोस्तों। सिटी विटी कोई आती नहीं है दोनों साइड में, इधर भी कानपुर सिटी है, इधर तो कम है, सिटी पूरी इस साइड में है। और ये ओवर ब्रिज के ऊपर ही चल रहे हैं हम, तो कम से कम 10-12 किलोमीटर का ब्रिज है भाई ये कानपुर सिटी क्रॉस करने के लिए। ये जो मुड़ गए दोस्तों हम यहाँ से, और ये वाला जो रोड है ना सीधा आगरा जा रहा भाई उधर, और हम लोग इधर मुड़ गए अभी। और ये अपना झांसी वाला रोड आ गया, झांसी से सीधा क्या बोलते हैं शिवपुरी निकलेगा, और शिवपुरी से गुना, गुना से क्या बोलते हैं इंदौर वगैरह यही रूट निकल जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ दिख रहा है पेट्रोल पंप, तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यूपी में डीजल जो है ना दोस्तों सस्ता होता है, तो यहाँ पे भी कराएंगे। बाकी झांसी पहुँच के वहाँ पे भी टंकी फुल करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ जितना भी आए एक बार फुल करवा लेते हैं, बाकी झांसी में करवा लेंगे एक बार। गाड़ी लगी है, रिवर्स करके लगाते हैं यहाँ। हो गई दोस्तों अपनी टंकी बिल्कुल फुल, देखो ऊपर तक आ गया डीजल, 10,000 है भाई। और आया है डीजल देखो 13,530 रुपए का 151 लीटर, और यहाँ का रेट है भाई 90 रुपए 59 पैसे, यूपी में सस्ता है मध्य प्रदेश से है ना। डीजल का कांटा जब फुल बताते हैं ना, फुल करते हैं तब नीचे बैठ जाता है भाई। देखो ये रहा नीचे हो गया ना, पूरी टंकी फुल है फिर भी एंडिंग बता रहा है। लेकिन दोस्तों 100 किलोमीटर चलने के बाद उठता है, क्योंकि मेरी डीजल टंकी में जो मशीन लगी है ना उसका एक पॉइंट उड़ा हुआ है। और किलोमीटर हम लोग अभी तक चल चुके, देखो 1539 किलोमीटर चल गई भाई गाड़ी ये देखो, और 1500 किलोमीटर और चलना है अपने को बम्बई तक। मतलब 1500 तो नहीं आएगा अभी, यहाँ से 1200 आएगा। ये सीधा रोड जो जा रहा है ना दोस्तों ये झांसी सिटी में निकलेगा, लेकिन अपने को दोस्तों यहाँ से राइट करना लेना है, क्योंकि अपने को शिवपुरी जाना है, तो ये शिवपुरी वाला रोड है। झांसी, झांसी को क्रॉस कर लिया है दोस्तों, बाकी पेट्रोल पंप पे और फुल करवा लेते हैं, क्योंकि अभी यूपी में है हम लोग, आगे से मध्य प्रदेश लग जाएगा, तो मध्य प्रदेश में 95 रुपए लीटर हो जाएगा डीजल, और यहाँ पे 90 रुपए, 5 रुपए बचेंगे भाई। दोस्तों हो गई अपनी टंकी बिल्कुल फुल 2750 रुपए में, 30 लीटर 75 पॉइंट आया है दोस्तों, 31 लीटर समथिंग। और ये देखो है ना ऊपर तक दिख रहा है डीजल ये। आ गई दोस्तों मध्य प्रदेश चेक पोस्ट,
मेरे राज्य के लोग मुझे ही लूटते हैं भाई, क्या करें, अपने राज्य के लोग अपने को ही लूटेंगे। तो ये आ गई बॉर्डर, अभी यहाँ पहले ही खड़ी कर लेते हैं गाड़ी और जाके इनको दक्षिणा देना पड़ेगा 500 या 300, उसके बाद में जाने देंगे भाई। आ गया दोस्तों, 500 रुपए लिए और ये देखो ऐसे टोकन बना के देते हैं, ये गाड़ी नंबर लिख दिया, ये टोकन अभी जमा होएगा वहां जाके, देखना मैं आगे दिखाऊंगा आपको, चलते गाड़ी में देना पड़ेगा। दे दिया दोस्तों, देखा होगा आपने आगे खड़े थे वो पुलिस वाले। इतनी ईमानदारी और वफादारी के साथ में ट्रक वाला भाई टैक्स देता है, परमिट भरता है, नेशनल परमिट भरता है, बीमा भरता है और टायर पे टैक्स, पार्ट्स पे टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, हर एक तरीका के टैक्स देते भाई हम ट्रक वाले ईमानदारी के साथ में हर साल सरकार को। फिर भी दोस्तों हमको है ना ऐसे चेक पोस्ट पे पुलिस वाले आईटीओ वाले परेशान करते हैं यार और एंट्री मांगते हैं। हम ईमानदारी से चलते हैं फिर भी हमारी ईमानदारी तो कोई रंग नहीं लाई भाई। विदेश जैसा सिस्टम है ना अपने भारत देश में कुछ नहीं होने वाला है। मेरा देश तब तक नहीं सुधरेगा भाई जब तक ऐसे लोग रहेंगे ना, ऐसे लूटपाट करने वाले, तब तक मेरा देश ऊपर कभी नहीं आ सकता मेरा इंडिया, क्या करे यार। चलो कोई नहीं यार, बस दिल पे चोट लगती है यार, बहुत दुखता है दिल, क्या कर सकते हैं, ऐसे पैसे लगते तो हम रात दिन एक करके भाई, रात दिन आंखें फोड़ के जान हथेली पर लेके और गाड़े घोड़े चलाते भाई अपना घर परिवार से दूर रखे और ऐसे रास्ते में हमको लूटा जाता है। हमारी सुनवाई करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। दोस्तों नींद से भी आ रही है यार, अभी मुकेश भाई को उठाया है तो मुकेश भाई गए हैं चाय पीने के लिए, सुरेश भाई और दोनों गए हैं भाई ये देख सकते हो। और सुबह की दोस्तों अभी बज गई है 5, देखो घड़ी में टाइम क्या हो रहा, 5 बज गए दोस्तों। और मैं करूंगा अभी थोड़ी देर आराम और ये वीडियो अपलोड भी करना है, एडिटिंग भी करना है, यूट्यूब पे डालना भी है दोस्तों और आप लोगों को दिखाना भी है। तो अभी टाइम लग जाएगा मुझे, 6 बज जाएगी ये वीडियो एडिट करते करते। बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और जिन भाइयों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर देना, इतनी मेहनत करते हैं यार, कम से कम शेयर कर दिया करो यार दोस्तों, शेयर कर दिया करो आप लोगों के लिए। देखो रात रात भर जागता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अभी देखो 5 बज रही है ना, 1 घंटा एडिटिंग करने में लगेगा, फिर अपलोडिंग करने में लगेगा, फिर थंबनेल बनाने में लगेगा, फिर वीडियो डालने में टाइम लगेगा, इतनी मेहनत करते यार, फिर गाड़ी भी चलाना, सब काम करना, अभी सोना सोना नहीं। आप लोग कम से कम शेयर कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को करते ही समाप्त और रखते अपने कंटिन्यू सफर को और मिलते अगले वाले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।